नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी गुरु नीति नंबर 33। इससे पहले अपन ने गुरु नीति नंबर 32 अपन ने डिस्कस की थी। बिल्कुल। और इसके अंदर अपन ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर अपन ने बीओ शॉर्ट लॉ और एम्पियर लॉ, ये अपन ने इसके अंदर अपन ने किया था। और फिर उसके बाद में अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सेकंड, और जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और मैं किशोर सिंह शेखावत। बिल्कुल सर, तो करते हैं अपन स्टार्ट। बिल्कुल, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बी दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, और फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन दे रखी है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना। और प्रोटॉन का मास आपको दे रखा है, चार्ज आपको दे रखा है, इसकी एनर्जी आपको दे रखी है, तो इस पर आपको क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम इंटू ये आपके पास में वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वी इक्वल टू 2K/m का रूट हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि एफ इक्वल टू ये आपके पास में क्यूबी भी होता है। यस। तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं ई वी बी। तो ई को तो अपन ई लिख देंगे, बी को अपन बी लिख देंगे, और वी को अपन यहाँ से इसके अंदर पुट कर देंगे 2K/m का रूट हो जाएगा। ई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, 1.6 × 10⁻¹⁹। बी अपने को दे रखा है कितना, दे रखा है क्वेश्चन में 1.5। मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रखा है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। और इसके बाद रूट ऑफ ये आपके पास है 2। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है सर इसकी अपने को, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। अपॉन मास अपने को दे रखा है 1.7 × 10⁻²⁷, ठीक है ना। तो ये अपने को इस प्रोटॉन का मास दे रखा है। अब एक लंबी सी कैलकुलेशन, यदि इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में लगभग आंसर आ जाएगा 7.4 × 10⁻¹² न्यूटन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है एफ बराबर क्यूईबी पे, ठीक है ना। एफ बराबर क्यूईबी साइन थीटा होता है, यहाँ पे थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं जनाब से, कोई लॉन्ग फेरेलल कॉपर वायर कैरी करंट्स ऑफ 5 एम्पीयर ईच इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन की अपोजिट है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.5 दे रखी है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो बहुत फेमस सा फॉर्मूला है, DF/DL का फॉर्मूला होता है, DF/DL बराबर होता है म्यू नॉट I1 I2/2πD। तो म्यू नॉट हो जाएगा आपके पास 4π × 10⁻¹⁷, आई कितना हो जाएगा 5, आई टू भी कितना देगा 5 अपॉन 2π, और डी कितना दे रखा आपके को सर यहाँ पे 0.5 दे रखा है। तो ये तो अपने पास अब पाई बन जाएगा, और इसको अपन पाई को अपन पाई से कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास अब 5 × 5 = 25 × 4, तो कितना देगा 100 × 10⁻¹⁵ न्यूटन। और दोनों में डायरेक्शन अब वो क्या एक दूसरे के अपोजिट है, इस कारण से फोर्स अब अट्रैक्शन का नहीं रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से अपन एक एम्पियर को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। एक एम्पियर की जो स्ट्रेंथ डेफिनेशन है वो इसी फॉर्मूले की हेल्प से दी जाती है, ठीक है ना। वैक्यूम में दो वायर्स है जिनके अंदर एक एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, और दोनों अगर एक दूसरे से एक मीटर की डिस्टेंस रखे हुए उनकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता है 2 × 10⁻¹⁷ न्यूटन, ठीक है ना। चलिए यहाँ मेनली जो फोर्स की डायरेक्शन है वो जो नेचर ऑफ फोर्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे गलती करते हैं। दो प्लस प्लस चार्ज है, तो फोर्स अपन जानते हैं रिपल्सिव होता है, लाइक लाइक को यहाँ रिपेल कर रहा है, और प्लस माइनस है तो यहाँ कौन सा है अट्रैक्शन है, और वहां समान करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन हो जाएगा, बस ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चे, बाकी इसमें कोई लफड़ा नहीं होता है, और आपका करंट अगर बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन करते हैं, रुक करते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज काइनेटिक एनर्जी t दे रखी है, ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, 3 सेकंड बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी रहेगी, भी सेम ही रहेगी, क्योंकि बच्चों अपन जानते हैं कि कोई भी आपके पास में जो मूविंग चार्ज होता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि f इक्वल टू क्या होता है आपके पास है q × v वेक्टर × b वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास है जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, v वेक्टर के भी, और फोर्स परपेंडिकुलर होता है b वेक्टर के भी, तो f और v दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए,
तो पावर पी इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, एफ डॉट वी पावर होता है आपके पास में, पी इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो जीरो पावर जीरो तो वर्क डन जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में सेम रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी वो टी रहेगी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। तो एक बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कभी भी चार्ज पार्टिकल पे किसी प्रकार का वर्क डन नहीं करता है, बिल्कुल ठीक है ना, वर्क डन कितना होता है जीरो होता है। यानी जैसे मैग्नेटिक फील्ड कभी इलेक्ट्रॉन जो जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको केवल घुमा फिरा सकता है, घुमा फिरा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को अभी बदल नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास सारी खूबियां हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल एकदम वो सारी खूबियां। साइक्लोट्रॉन अपन यूज करते हैं तो वहां दोनों को अपन कंबाइंड यूज करते हैं, तो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उसको घुमाता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों डीज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई करते हैं वही यहाँ पे क्या कहता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, उसको एनर्जी देता है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन रेडियस आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वी, फ्रीक्वेंसी अपने को पूछी जा रही है। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टी का फॉर्मूला हर किसी को मालूम होता है, टी बराबर कितना होता है 2 पाई एम अपॉन क्या होता है आपके पास क्यू बी, और टी को अपन लिख सकते हैं 1 बाई एफ, तो यहाँ से आपके पास एफ इक्वल टू क्या जाएगा क्यू बी अपॉन, ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई एम, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपके पास 2 पाई इंटू एफ होता है, तो यहाँ से ये अपने पास बन जाएगा क्यू बी, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, एम आ गया। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रीक्वेंसी है चाहे टाइम पीरियड है, ठीक है ना, जो एफ होता है न तो डिपेंड करता है स्पीड पे, एफ है न डिपेंड करता है रेडियस पे, और एफ है वो न डिपेंड करता है किस पर, थीटा पर, ये तीन चीजें होंगी भी, ठीक है ना। यानी किसी भी गिवन पार्टिकल को गिवन मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी भी स्पीड से फेंक दिया, कोई भी रेडियस का सर्कुलर पाथ ये ट्रेवर्स कर रहा है, बिल्कुल, और चाहे किसी भी एंगल पर आपने फेंक दिया, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कभी भी चेंज नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सर यही साइक्लोट्रॉन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, वहां पर अगर जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी वैसे वैसे अगर टाइम पीरियड चेंज होगा पार्टिकल का, टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो फिर उसके बाद में इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होगी, दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा, तो एनर्जी का ट्रांसफर दोनों के बीच में रुक जाएगा, और फिर उसके बाद फर्दर अपन चार्ज पार्टिकल को अपन एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैव इक्वल चार्ज प्लस 6 कूलम्ब, चार्ज दोनों का बराबर है, बोथ आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम डायरेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, बी भी आपको सेम डायरेक्ट है, तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी, तो मास का रेशियो पूछा जा रहा है, तो ये तो पोटेंशियल वाला है, तो अपन जानते हैं सब कि आर इक्वल टू क्या होता है आपके पास एम वी अपॉन क्यू बी यू बी, और एम वी को अपन क्या लिख सकते हैं पी अपॉन क्या जाएगा क्यू बी, और पी को अपन क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 2m k अपॉन क्या देगा आपके पास है qb इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m k को अपन क्या लिख सकते हैं qb अपॉन क्या देगा आपके पास है qb हो जाएगा। अब यहां पर आपको v सेम दे रखा है, चार्ज आपको सेम दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम दे रखा है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास रूट ऑफ m, तो यहां से आपके पास m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो यहां से आपके पास m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास r1 अपॉन आर टू का होल स्क्वायर, तो आर वन कितना देगा 2 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4:9, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड वी, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज, तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन अभी अपन बात की है सर, बिल्कुल वो आर पे डिपेंड करेगा नहीं वी पे डिपेंड करेगा, तो ये कह रहा है डिपेंड्स ऑन वी एंड नॉट ऑन आर, गलत, डिपेंड्स ऑन बोथ आर एंड वी, नो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ आर एंड वी, ये सही लग रहा है, बिल्कुल डिपेंड्स ऑन आर एंड नॉट ऑन वी, ये भी आपके पास गलत हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा, ये तो चलो इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन इन द सेम डायरेक्शन, अब देखो यहाँ पे ये तो अपने पास इस प्रकार से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और फिर उसके बाद इसी प्रकार से ये आपके पास है क्या देगा इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड देगा बी देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था ना सर अपने पास में, बिल्कुल इस इलेक्ट्रॉन को भी अपन ने इस प्रकार से इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, तो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन का वी और बी ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे कोई काम है नहीं,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, देयरफॉर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो फील्ड की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो इस पर फोर्स लग जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो ये इसके अंदर क्या करेगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड अब क्या होगी, डाउन होगी। अब इसकी डायरेक्शन है वो तो ये रहेगी, बट इसकी स्पीड अब क्या होती जाएगी, पहले ज़्यादा थी स्पीड, फिर उसके बाद कम होगी, फिर उसके बाद स्पीड और कम हो जाएगी, फिर स्पीड और कम हो जाएगी, अल्टीमेटली ये रेस्ट में आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, इस प्रकार से यू टर्न बना लेगा, अपनी बात को रिवर्स, बात को रिवर्स कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा देखते हैं सर अपन, तो ये कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, बी डिफ्लेक्टेड टू द विदाउट इंक्रीज इन स्पीड, नहीं बी डिफ्लेक्टेड टू द विदाउट इंक्रीज इन स्पीड, बी डिफ्लेक्टेड टू द राइट विदाउट इंक्रीज इन स्पीड, Not to be deflected, but its speed with decrease. यही आपके पास होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता है, डिफ्लेक्ट का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, बट इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड अब क्या हो रहा है, स्पीड अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं सर, इसमें क्या है कि संभावनाएं बहुत है, बिल्कुल बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है इसके अंदर, और ये क्या है कि इतना शानदार ये कॉन्सेप्ट है नीट का, अपन मैं क्या करता हूँ एक तरह से नीट का क्वेश्चन साइट आई, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन नीट लेता रहता है, मतलब ये एक प्रकार से लोरेंज फोर्स का ये टॉपिक हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, और इस पे तो बहुत सारे मतलब जैसे इसमें वेलोसिटीज इलेक्ट्रॉन वाला भी इक्वेशन बनता है इसके अंदर, जहाँ पे v = e / v बनता है, ठीक है ना, इसमें भी अपन ने पार्टिकल को प्लस को छोड़ा, हाँ माइनस को अपन ने छोड़ा, हाँ छोड़ा, या प्लस को अपन ने उन दोनों की अलोंग कोई वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, बिल्कुल अपोजिट अपन ने प्रोवाइड कर दी, किसी एंगल से उनको अपने छोड़ दिया, सही बात है, तो वहां की जो पाथ है वगैरह उनकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर ले, मान लो बिल्कुल, जैसे सर अपन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जैसे मान लो जैसे अभी ये अपन ने लिया, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड था जी सर, और मैंने यहाँ लगा दिया मान लो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लगा दिया अभी दोनों, अब अगर अपन मान लो किसी प्लस चार्ज को यहाँ पे ओनली छोड़े तो जीरो हो गया, हाँ मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो ये एक्सलरेट होगा, बिल्कुल, और अलोंग ही, हाँ और लगातार इसकी स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी, तो स्पीड और करंट तो इसके सर में थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दो, इसके अंदर f = क्या हो जाएगा आपके पास एक qe हो जाएगा, बिल्कुल, और f को अपन ma लिख देंगे, यहां से इसका एक्सलरेशन a = क्या हो जाएगा आपके पास एक qe / m, ये निकाल करके फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन अपन आराम से अप्लाई कर सकते हैं, t टाइम बाद में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वगैरह वगैरह, काइनेटिक एनर्जी का t के साथ में ग्राफ किस होगा, बहुत सारी बातें यहां पे बन सकती है, और क्लास के अंदर आपको सारी सारी बातें बता भी रखी है, मॉड्यूल के अंदर भी आपको मिल जाएगी इस प्रकार की बातें, और सर अब माइनस अपन छोड़ेंगे तो माइनस अगर अपन छोड़ेंगे तो इस पे फोर्स और फिर उसके बाद इधर की तरफ लग जाएगा, भाई मैग्नेटिक फील्ड का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं, कोई रोल ही नहीं, अगर अपने रिलीज कर दिया इस पार्टिकल को, ठीक है ना, और फिर उसके बाद यदि अपन प्लस को अगर अपन इधर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और इधर की तरफ अगर अपन फेंक देंगे तो स्पीड घट जाएगी, घट जाएगी, और माइनस की अपन ने बात कही नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, ठीक है ना, हाँ जैसे अपन जैसे मान लो प्लस को कोई स्पीड प्रोवाइड करके और छोड़े इसी रीजन में, तो वो पार्टिकल तो लगातार अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, अपने पाथ को कभी रिवर्स नहीं करेगा, पर अगर अपने माइनस को छोड़ा है ई के अलोंग, तो ये पार्टिकल कंटिन्यूसली अपने पाथ को रिवर्स नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये बात कि एक बार तो करेगा, और अगर जैसे मान लो आप कह रहे थे स्पीड पहले घटते घटते जीरो हो गई, और उसके बाद अगर मेंटेन रहे दोनों फील्ड लगातार लार्ज अब दे रखे हो, तो पार्टिकल स्टॉप होगा, फिर वापिस जब रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद कभी ये पाथ हमारा रिवर्स नहीं करेगा, और इसके अंदर एक चीज ये भी अपने बना सकते हैं, जैसे पार्टिकल इसको अगर अपने मान के चलेगा इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी देती, बिल्कुल, तो फिर उसके बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाएगा, इसका इस प्रकार से सर्कल बनेगा, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा इसको इधर की तरफ ले जाएगा, ले जाएगा। तो इसका पाथ वो कैसा हेलिकल बन जाएगा, हेलिकल, बट हेलिकल के अंदर भी एक चक्कर पड़ेगा, हाँ, इसके अंदर उसी बात के लिए मैं इस क्वेश्चन में मॉडिफाई कर रहा था, हाँ बिल्कुल, हेलिकल के अंदर भी ये होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेगा, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क डन नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पार्टिकल पे वर्क डन करेगा, जिससे इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, और अपन जानते हैं कि r = क्या होता है आपके पास mv / qb होता है, अगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो इस स्थिति में जो रेडियस है वो भी क्या देगी बढ़ जाएगी, तो बढ़ती हुई रेडियस का हेलिक्स बनेगा, तो पहले तो इस प्रकार से यूं, फिर उसके बाद इसकी रेडियस है वो इस प्रकार से लगातार यूं बढ़ती जाएगी, बिल्कुल, यानी एक तरह से असमान हेलिक्स हेलिक्स हो गया, हाँ नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स बोल सकते हैं इसको अपन, बिल्कुल, जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगे वो ऑप्शन अपन यहाँ पे टिक कर सकते हैं, तो फिजिक्स की यही सबसे ब्यूटी है, और इसी वजह से बच्चे जो बच्चे सोचना और माइंड को अप्लाई करना पसंद नहीं करते उन बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है, उन बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है कि यार मतलब ऐसे कैसे कर दिया, बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, यस ठीक है, ई अगर मान लो नहीं होता
और अपन 96 में इंटर करवाते हैं तो अपन सिंपल करते हैं कि पाथ इसका कहता होगा सर्कुलर जाता है, सही बात है। और अपन किसी एंगल से इसको छोड़ते हैं हाँ। तो आपका हेलिक्स पर हेलिक्स बनता एक समान यूनिफॉर्म बनता। ई अप्लाई कर दिया तो ई अगर उसके अलोंग है यानी उसके जो एक कंपोनेंट के अलोंग है तो उसका ये आप जैसे रेडियस बढ़ जाएगा और यूज कर देंगे तो वो घट भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी एक समान आपका हेलिकल पाथ बन सकता है, असमान भी बन सकता है, सर्कुलर भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। स्ट्रेट लाइन में भी एक बार स्टॉप होके जीरो वाला और लगातार कंटिन्यूअस बनने वाला भी संभव। बट यहाँ पे याद करने लायक कुछ भी नहीं है हाँ। कि कोई भाई इसमें ये याद करने की ऐसा ऐसा हो तो ऐसा होता है, सारे कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सारी चीजें कंसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है ना। आप जितना सोचोगे उतना आगे बढ़ोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये भी अपने पास है, ये पार्टिकल ऑफ मास है, चार्ज क्यू, वेलोसिटी वी, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस आर है, यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, वर्क डन बाय द फील्ड व्हेन द पार्टी कंप्लीट्स वन फुल सर्कल ईच। तो यहां पे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात करिए अपन, ठीक है ना, फोर्स में अभी अपन ने बात की फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही। चलो इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अपन अगला क्या कह रहा है देखो, इन द गिवन फिगर इलेक्ट्रॉन ये अपने पास से जा रहा है इन द डायरेक्शन, तो ठीक है ना। तो जो गिवन डायरेक्शन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पे इधर की तरफ ये डिफ्लेक्ट होगा। अब देखो वही बात होगी, अपन जानते हैं कि F इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, Q इनटू क्या होता है V वेक्टर, क्रॉस क्या होता है B वेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है माइनस E होता है, तो इनटू क्या होता है आपके पास है V क्रॉस B। तो सबसे पहले अपन V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ये तो हो गया आपके पास V और ये आपके पास B हो गया अंदर की तरफ हो गया, फोर्स ऊपर लगता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, बट यहाँ पे माइनस का साइन है इसका मतलब फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा और ये पार्टिकल इस प्रकार से इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये तो कौन सी डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन माइनस वाई, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या देगा इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में अपन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है सर। अपन ने जो बात की थी कि दो वायर्स हैं एक दूसरे के पैरेलल है और इनमें अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तब तो क्या होता है अट्रैक्शन होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही तो रिपल्शन होगा। तो यहां पे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर तो यहां पे देखो इसके अंदर करंट ऊपर जा रही है, इसके अंदर भी करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस पार्ट पे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से अट्रैक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। और ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर करंट इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रही है तो इस पे क्या हो जाएगा रिपल्शन हो जाएगा, बट इसकी डिस्टेंस है वो क्या ज्यादा है ज्यादा, इस कारण से इस पे अट्रैक्शन होगा ज्यादा रिपल्शन होगा कम कम, तो नेट फोर्स कैसा रहेगा इसका अट्रैक्शन का रिएक्शन रहेगा। अब इस पे फोर्स ऊपर लग जाएगा, इस पे फोर्स नीचे लग जाएगा, ये दोनों फोर्स है ये तो इक्वल आएंगे अपोजिट आएंगे कैंसिल आउट होते खत्म हो जाएंगे, तो नेट फोर्स अब क्या रहेगा अट्रैक्टिव रहेगा, तो रोटेट अबाउट नहीं मूव अवे नहीं मूव टुवर्ड्स द वायर। बिल्कुल। तो वायर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर अपन याद कर लिया कि अगर ऐसा डायग्राम आ जाए तो इसकी तरफ ही करंट की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो ये दूर की तरफ जा सकता है। अब दूसरा भी इसमें भी सर ये पास भी किस तरह से आ रहा है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि सर ये फोर्स आपका F1 है, इसको अपन F2 मान ले, ठीक है, ये F1 बड़ा है F2 छोटा है, तो नेट फोर्स, अब नेट फोर्स नॉन जीरो है, इसका मतलब ये एक्सेलरेट होते हुए इसके पास आएगा, तो सही बात है। तो F1 माइनस F2 मैं लिख देता हूं यहां पे, यस, तो F1 माइनस F2 देगा आपके पास म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या देगा आपके पास 2 पाई पाई, और फिर उसके बाद में ये वन अपॉन ये देगा आपके पास वन अपॉन, इसके ऊपर माने डिस्टेंस d मान ले, इसको अपन d1 मान लेते हैं, a मान ले साइड, तो d प्लस a हो जाए, तो ये माने d1 हो जाएगा और ये आपके पास है क्या देगा आपके पास है या d प्लस a कर दो, d प्लस a, तो ये अपने पास है d हो गया, तो ये अपने पास है क्या देगा d प्लस a हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो फोर्स है वो भी किस पे, इस d पे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है ना, तो d पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स है वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल फोर्स रहेगा यहां पे, ठीक है, ये परिवर्तित त्वरण से गति करेगा, यानी वेरिएबल एक्सीलरेशन से इसके पास आएगा। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करंट कैरिंग लूप है सस्पेंडेड इन सस्पेंडेड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स रूट 3 जूल टू वर्क टू टर्न इट थ्रू एंगल 60 डिग्री, तो आपके पास है थीटा 1 बराबर तो कितना देगा 0 डिग्री दे रखा है, और यहां पर आपके पास है थीटा 2 बराबर कितना दे रखा है 60 दे रखा है। W का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटोस्टैटिक्स में दोनों में आप पढ़ते हैं, तो एम बी कॉस थीटा वन माइनस करेगा आपके पास है कॉस थीटा टू देगा, तो ये आपके पास एम बी आ गया कॉस थीटा वन कॉस जीरो कितना देगा वन माइनस कॉस सिक्सटी कितना देगा वन बाई टू, तो ये तो अपने पास है क्या देगा एम बी बाई टू आ गया, और ये कितना देर का अपने को रूट थ्री देर का है, तो यहाँ से अपने पास है जो एम बी है इसकी वैल्यू कितना देगी आपके पास है टू रूट थ्री आ जाएगी, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि इसी कंडीशन में बनाए रखने के लिए इस पे कितना टॉर्क लगेगा। बिल्कुल। तो सर अपन जानते हैं कि टो बराबर क्या होता है एम बी साइन थीटा होता है, और साइन 60 कितना देगा आपके पास रूट थ्री टू देगा, तो एम बी की वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पे टू रूट थ्री इंटू क्या देगा आपके पास रूट थ्री बाई टू, टू से टू रूट थ्री कितना देगा आपके पास थ्री जूल, तो ये आपके पास कितना देगा थ्री जूल।
ये आपके पास आ गया अभी सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। अब देखो वैसे जो टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है बिल्कुल, और जो वर्कडन होता है वो भी न्यूटन इंटू मीटर होता है। वर्कडन और एनर्जी की केस में उसको अपन जूल लिख देते हैं। अब टॉर्क है इसको अपन जूल में नहीं लिखते, अपन खुद चल के जूल में नहीं लिखेंगे, बट क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अगर जूल दे रखा है फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसे नहीं कि इस क्वेश्चन को अपन स्किप कर दिया कि यार ये कौन सा तरीका हुआ, टॉर्क है उसको जूल में लिख रखा है, हम तो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको अड़ना नहीं है, आपको थोड़ा सा वर्सेटाइल भी होना चाहिए, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस समय अपना ज्ञान नहीं लगाना है, अपना ज्ञान नहीं लगाना है, बस उसको क्वेश्चन भगवान है, बस क्वेश्चन भगवान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर क्या भी कोई लेता शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेता आपको साइड एंगल दे रखी है, और फिर उसके बाद इसको अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटका रखा है, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर टॉर्क दे रखा है और एल आपको पूछ रखा है, कुछ भी नहीं है फॉर्मूला। देखो अपन जानते हैं कि इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, साइड इसकी एल होगी तो बेस भी कितना देगा इसका एल हो जाएगा, तो ये तो कितना देगा, देखो ये तो देगा आपके पास एल कॉस 60, ये एंगल 60 हो गया, तो ये कितना देगा एल साइन 60 देगा। तो इसको अपन बोलेंगे रूट 3L/2। इसका एरिया अपन निकालेंगे ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना देंगे आपके पास रूट 3L/2, इसको अपन 2 बोल देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा रूट 3L² / 2 का क्या देगा आपके पास 4 हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि टो बराबर क्या होता है आपके पास एम बी साइन थीटा होता है, तो एम बराबर क्या होता है एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, तो एन तो आपके पास 1 हो गया लूप के लिए, तो इसको अपन बोलेंगे आई आई ए, ये कितना देगा आपके पास में रूट 3L² / 4 और बी और थीटा कितना देगा आपके पास 90 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा L² बराबर, तो L² बराबर हो जाएगा आपके पास 4 टॉर्क अपॉन ये देगा आपके पास √3 I इनटू क्या देगा आपके पास b। और अगर आपको l कैलकुलेट करना है तो फिर उसके बाद इसका अपन क्या कर देंगे रूट कर देंगे, तो ये आपके पास l आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 अगर आपका बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 टो अपॉन √3 IB, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वाइज डिफरेंट करंट अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, द फोर्स एक्सप्लेन्ड बाय 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर क्यू, इस वायर क्यू की 10 सेंटीमीटर पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये वाला जो वायर है ये तो इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, इस पे तो फोर्स लग जाएगा इसके कारण इधर की तरफ, बिल्कुल। तो ये वाला फोर्स अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना था यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या होता है आपके पास 2πD, और इसको अगर अपन L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगा। यूनिट लेंथ पे फोर्स का फॉर्मूला था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πD, तो L लेंथ पे फोर्स अपने पास में ये आ जाएगा, तो इसका फोर्स अपन निकाल लेते हैं, तो इसका फोर्स साथ ही कर लेना अपन, हाँ साथ कर लेते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद इसका फोर्स इस पे किधर की तरफ आ जाएगा, ये और ये भी इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इस पे फोर्स इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा F1, तो फिर उसके बाद इन दोनों का फोर्स क्या देगा इसको अपन बोल देंगे म्यू नॉट क्या देगा आपके पास 4π × 10⁻⁷। म्यू नॉट तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या देगा बताओ 20 × 10, तो I1 I2 कितना देगा 200, ठीक है ना, अपॉन इसको अपन बोलेंगे 2π d, ये वाला d कितना देगा 2 सेंटीमीटर, 2 × 10 इसको अपन बोलेंगे 2 × 10⁻², ठीक है ना, माइनस दे लेते हैं बाद में आ जाएगा बिल्कुल। और फिर उसके बाद इसका कितना देगा, इसका देगा आपके पास 200, और तो इसको अपन बोलेंगे 4π × क्या देगा आपके पास 10⁻⁷, I1 I2 कितना देगा 300 आ जाएगा, ठीक है ना, और अपॉन ये अपने पास आ जाएगा 2π, और d कितना देगा आपके पास 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻², ये तो यूनिट लेंथ पे फोर्स आ गया। और इसके बाद इसके 10 सेंटीमीटर पर फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको अपन बोलेंगे 10⁻⁹ हो जाएगा। तो चलो इसको अपन सॉल्व कर देंगे, और इसको सॉल्व करने से अपना आंसर आ जाएगा फोर्स, तो करते हैं सर इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो 2π 2 ये 4π कैंसिल आउट हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देगा आपके पास है 2π 4π यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे 10⁻⁵ आ गया, ठीक है ना। तो ये 10⁻⁵ तो क्या बन जाएगा 2 × 10⁻³, यस, तो इसको अपन बोलेंगे 2 × 10⁻³ माइनस,
और ये कितना बन जाएगा आपके पास में, 0.6 बन जाएगा, 3 × 2 6.6 रहेगा, तो ये 0.6 × 10⁻⁴ आपके पास माइनस का 3 आ गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 1.4 × 10⁻³ और इनटू आपके पास माइनस 1 भी है तो माइनस का 4 बचेगा, तो 1.4 × 10⁻⁴ आ जाएगा और फोर्स वो किधर की तरफ लग जाएगा, नेट फोर्स इसकी वजह से आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट, तो 1.4 × 10⁻⁴ टुवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट, सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली टू द राइट, ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज सपोर्टेड पैरेलल टू इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम एंड अबव इट, तो ये तो आपके पास क्या देगा, इस प्रकार से तार हो देगा और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बीम को आप इस प्रकार से इधर की तरफ भेज रहे हैं, ये करंट होगी। ठीक है ना, करंट कंडक्टर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, तो ये तो आपके पास लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ करंट हो जाएगी, एंड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, तो ये तो सीधी सी बात है कि भाई ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, तो इसमें करंट इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगी, तो ये आपके पास करंट होगी, ये वी होगी, तो दोनों की करंट एक दूसरे के अपोजिट आ गई, तो फिर उसके बाद में दोनों में क्या देगा रिपल्सन होगा, तो इस पे फोर्स इस प्रकार से लग जाएगा नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा बताओ, द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल बी पुल्ड अपवर्ड नो पुल्ड डाउनवर्ड, तो आपका ऑप्शन सेकंड चला जाएगा, क्यों सर? बिल्कुल ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे वो चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर ये दोनों ही जैसे मान के चलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन बीम है, ये दोनों इस प्रकार से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट इसकी भी इधर की तरफ आ जाएगी, इसकी करंट भी इधर की तरफ आ जाएगी, तो दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो अट्रैक्शन नेचर का रहेगा, बट दोनों यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, स्ट्रांग होता है वो, स्ट्रांग होता है, बस बात यही है कि दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के कंपेयर में ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है, तो नेट फोर्स का डिसीजन अपन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो दोनों के बीच में नेट फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का होगा। ठीक है ना, चलिए, यानी जैसे यहाँ इस करंट कैरिंग वायर और ये अपने इलेक्ट्रॉन बीम थी, तो इसमें तो ओनली फोर्स ही कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स ही है, मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं ना, ये तो अपन चर्चा कर चुके हैं पिछली गुरुनीति में, इसीलिए अपन इसका डिफ्लेक्शन ओनली मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नेटिक फोर्स ही डिपेंड कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ दोनों फोर्स हो गए, दोनों फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी है इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, दोनों की प्रेजेंस में अब अपने को प्रेफर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो स्ट्रांग होता है, और इसके बारे में मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छे से बिल्कुल लिख रखा है, तो आप उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि टू गैलोमीटर्स ए एंड बी रिक्वायर 3 मिलीएम्पियर एंड 5 मिलीएम्पियर रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजंस 10, ठीक है ना। वैसे देखो ये जो गैलोमीटर है, कुछ लोग तो इसको क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और गैलोमीटर मूविंग कॉइल गैलोमीटर होता है वो बेसिकली किस पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है, टॉर्क लगता है, टॉर्क का, तो वहां पर भी पढ़ाते हैं ना, इसलिए इक्वेशन यहां पर डाल देते हैं। तो क्या कह रहे हैं अभी, सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा सुग्राही होगा, कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो सीधी सी बात है दोनों में बराबर डिफ्लेक्शन 10 एम्पीयर का आपको 10 डिविजन्स का आपको डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना है, तो जो कम करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन दे वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, समझ में आगे ना बात, ये चीज है। जैसे आपके पास एक तो ये एमिटर है, ये ए हो गया, एक आपके पास है ये बी हो गया, इसके अंदर जैसे मान के चलेगा कुछ करंट आपने फ्लो की, तो इसके अंदर मान के चलेगा एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें आपने उतनी करंट फ्लो की तो उसमें दो डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ गया, तो ये ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये मोर सेंसिटिव हो गया, ये क्या देगा आपके पास लेस सेंसिटिव देगा। तो कम करंट के लिए जो ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो 3 मिली एम्पीयर वाला हो गया, तो ए है वो क्या देगा ज्यादा सुग्राही हो जाएगा, ठीक है ना, तो अपन बोल देंगे ए इज मोर सेंसिटिव देन बी, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। इसमें एक तो होता है मेरिट ऑफ फिगर, हाँ एक होता है सेंसिटिविटी, हाँ तो उसकी जैसे अपन उसको हिंदी में कहते हैं दक्षतांक, दक्षतांक बोलते हैं, मेरिट ऑफ फिगर जो उसका होता है दक्षतांक होता है, दक्षतांक में जैसे देखो पहला वर्ड है दय, धारा हो गया, ठीक है, यानी यहाँ दो चीजें हैं धारा और विक्षेप, तो यहाँ धारा यानी आपका आई अपॉन जो फाई होता है ना वो तो हो गया दक्षतांक, दक्षतांक हो गया, कंपेयर करना हो, सही बात, और सेंसिटिविटी इसकी उल्टी होगी, तो इसको अपन बोल सकते हैं एकांक विक्षेप के लिए कितनी धारा देनी पड़ेगी, धारा बिल्कुल, मतलब आपको एक खाने के बराबर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी करंट देनी पड़ती है, सुग्राहिता जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी, वो हो गया आपका एकांक धारा के लिए विक्षेप, बिल्कुल यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन आया, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, उल्टे हो गए, तो ये तो इसको तो अपन क्या बोलते थे, के बोलते थे, इसको अपन एस बोलते थे, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए, इनवर्स हो गए, ठीक है ना। और इससे पूछा अपन से कौन सा है सेंसिटिविटी, जो फाई अपॉन आई होता है, फाई जरा का सेम आई जिसका कम होगा इसको अपन बोल सकते हैं करंट सेंसिटिविटी, बिल्कुल,
ठीक है। और एक होती है आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है आपके पास फाइव अपॉन वी, तो फाइव कॉमन बोलेंगे, फाइव वी कॉमन क्या बोलेंगे आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, और फाइव अपॉन आई कॉमन क्या बोल सकते हैं करंट सेंसिटिविटी, तो ये आपके पास है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर देगा। बिल्कुल, तो कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज सेंसिटिविटी भी गिवन होती है, आपको करंट सेंसिटिविटी गिवन होती है और आपको आरजी गिवन नहीं होता है। बच्चों आपको बताया कि जैसे आप गैलोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे आरजी तो हर क्वेश्चन में आपको गिवन होना ही जरूरी होता है, तो आरजी डायरेक्टली अगर दे दिया तब तो इजी क्वेश्चन हो गया, और आरजी अगर आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी से कैलकुलेट करने के लिए अगर बोल दिया तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आपको मतलब इस तरीके से आरजी निकाल करके फिर इसके लिए समझ बच्चा भूल जाए तो अपन ऐसे कहते हैं वी इक्वल टू आईआर होता है अपना, ठीक है, तो अपन ओम्स को जानते हैं, सही बात है। अब इस उल्टा कर लो, मतलब आई इक्वल टू अपन कर दो वीआर, ठीक है, इन सेंस टू रिगार्डिंग येलो, सही बात है, एस इक्वल टू वी एस इनटू हो गया बस, सही बात है, तो बच्चा ठीक है होता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये वो क्वेश्चन आ चुका है, हाँ। तो इसके अंदर क्या कह रहा है भाई, देखो ए और बी तो अपने पास में क्या हो जाएंगे, दो करंट की रिंग वायर हो जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्शन नेचर का होगा, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा अट्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अपने पास इलेक्ट्रॉन बीम है, ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन बीम है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और अट्रैक्शन लगेगा किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, बट नेट फोर्स कौन डिटरमाइन करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है रिपल्सन होता है, तो ए बी में क्या हो जाएगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है ना, तो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड रिपल्सन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन का करेक्ट चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इन ए मास स्पेक्ट्रोमीटर used to measuring the masses of ions, the ions are initially excited by an electric potential V and then made to describe semicircular path of radius r using a magnetic field B. If V and B are kept constant, the ratio charge on the ion mass of upon the ion, so charge upon mass इसको अपन क्या बोलते हैं specific charge भी बोलते हैं, yes, yes. ठीक है ना, तो will be proportional इसको अपन कहते हैं signature of charge, signature of charge बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपने पास V तो क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, और R क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी, तो फिर उसके बाद अपन ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर क्या होता है सीधा एम वी अपॉन क्यू बी, हाँ, वी अपॉन क्यू बी, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं रूट ऑफ टू एम क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास क्यू बी हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से अपन क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, या फिर उसके बाद इसको अपन एक बार ऐसे लिख सकते हैं बराबर टू एम वी अपॉन क्यू, ठीक है ना, और ये क्या देगा आपके पास है बीस, तो इसको रूट के अंदर ले रहे हैं, सही है कि सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में सेम है, तो यहाँ से आपके पास में जो क्यू बाई एम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या देगा आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट सही रहेगा, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था। ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल मेटल वायर इज कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ using a uniform magnetic field, it is to be prevented from falling under gravity. The direction of this magnetic field should be towards them. अब बात देखो ध्यान से, ये क्या है कि इस वायर के अंदर, इस वायर एक तो वायर है, इस वायर के नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है एम जी लग रहा है, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज टू प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो एम जी को आपको मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस करना है, द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट है वो किधर से किधर की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है ना, तो बना दें ये आपके पास N E S W, तो करंट है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, अब एम जी लग रहा है इसके नीचे लग रहा है, तो आपको फोर्स ऊपर की तरफ लेके आना है, तो अपन जानते हैं कि एफ एम इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपके पास आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, तो एल वेक्टर तो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, और फोर्स आपको ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है ना, तो ऐसे ले सकते हैं इसको अपन, ये आपके पास एल वेक्टर हो गया नीचे की तरफ, ठीक है, और बी वेक्टर इस प्रकार से इधर की तरफ ले ले, यस हाँ, सॉरी अपने को फोर्स इस प्रकार से ऊपर की तरफ लेके आना है, तो एल वेक्टर किधर की तरफ आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, ये एल हो गया और ये बी हो गया, तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ हो जाएगा ईस्ट की तरफ हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से थर्ड आ जाएगा ईस्ट, ठीक है ना। देखो बच्चों, आप अपने दाहिने हाथ की जो अंगुलियां हैं राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको साउथ की तरफ रखते हुए अगर आप उसको किस की तरफ लेके जाएंगे, ईस्ट की तरफ लेके जाएंगे,
तो इस स्थिति में मैग्नेटिक फोर्स वो किधर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये साउथ हो गया, साउथ से अपन ईस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स इस स्थिति में एम जी को बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। डायरेक्शन रूल्स हैं ये आपको, ये इसमें थोड़ी सी बच्चों की हेल्प हो, देखो कि जैसे अपने जो रूल है मेनली एक तो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जी सर, और एक फोर्स। तो फोर्स की जैसे फ्लेमिंग के रूल है, जैसे अपन जैसे दो मैं रूल की बात करता हूँ, तो जैसे देखो ये यूँ समझना इसको, ये तो है फ्लेमिंग के रूल, बिल्कुल सेम सेंस में, और ये है आपके पाम रूल, पाम रूल, ये इनको अपन कहते हैं हथेली के नियम, हो गए हथेली के नियम। अब जैसे अगर आपने इनको यूं ले रखा है तो आपके बन गए फ्लेमिंग के रूल। अब फ्लेमिंग में क्या है, जैसे ये बायां हाथ है, इसको हिंदी में अपन बायां कह रहे हैं, और इंग्लिश में इसको पर लेफ्ट, तो बायां से बल हो गया, यानी बायां से बल, तो इससे तो अपन निकाल पाएंगे फोर्स, और इससे निकालते अपन इंड्यूस्ड करंट, करंट, तो दायां से धारा हो गया, बायां से बल, दायां से धारा, फ्लेमिंग के दो रूल आ गए, सही बात है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, सही बात है। इससे अपन निकालेंगे फोर्स, इससे निकालेंगे अपन इंड्यूस्ड करंट, ये दो आ गए। अब जैसे अपन आते हैं इनमें पाम रूल आ गए, तो पाम रूल एक तरह से इसके उल्टे हैं, यानी बायां बल का नहीं, दायां धारा का नहीं है, हटाओ इसको बस, सही, तो अपने पास बस ये बच गया, देखो ये बल के लिए है और ये आपके बस के कौन से, इंड्यूस करंट के लिए, ठीक। अब जैसे ये तो ये डेटा होता है, इसको यूज अपन बहुत कम करते हैं, तो क्वेश्चन में अगर आपको इंड्यूस करंट निकालनी है तो इसको यूज करें आप, और फोर्स निकालना है तो अपने पास ये थे ना, इसको हटाओ, इसको काम ले लो, सही बात है। अब जैसे अपने क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को अपन जैसे अपन पीछे बात कर रहे थे कि मैं नाक की तरफ मानता हूँ नॉर्थ, पीछे मानता हूँ साउथ, ये मेरा ईस्ट और ये वेस्ट, तो एक्चुअली जिसमें वायर मान लिया अपन जैसे, तो वायर अपने पास था कैसे करंट उसमें उत्तर से दक्षिण तरफ फ्लो हो रही है, तो मान लो ये अपने पास वायर है और अपन इसको मान रहे थे नॉर्थ, ये मेरे हो गया साउथ, तो करंट तो इस तरफ आ रही है ना, अब करंट इस तरफ आ रही है, मुझे निकालना है फोर्स, तो मैंने कहा फोर्स जब आता है तो फ्लेमिंग का बायां हाथ तुरंत दिमाग में आता है, तो तुरंत इसको ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे ले लो, तो पता लग गया अपने को इस रूल को यूज करना है फ्लेमिंग का। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है बच्चे के लिए, टाइम लगता है उसमें, इसको अपन अप्लाई कर ले। अब करंट इस तरफ हो गई नॉर्थ से साउथ, अब फोर्स किस तरफ चाहिए, फोर्स अपने को चाहिए ऊपर, ऊपर, तो फोर्स आपको फोर्स है येलो, सही बात है, तो अब ऊपर की तरफ हो गया, सही बात है, तो बी किस तरफ आ, अंगुली की तरफ। अब इस तरफ कौन है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ऐसे थोड़ा सा अपने को डायरेक्शन का रूल थोड़ा पता हो तो बच्चा इजीली इसको बिल्कुल कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं सर, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 60 आने दो। ये कह रहा है कि टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग सेम इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सपेक्टेड टू द सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, तो अपन जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या था, एम वी अपॉन क्यू बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ टू एम काइनेटिक एनर्जी के अपन क्या देगा आपके पास क्यू बी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम, चार्ज दोनों का सेम दे रखा है ना, चार्ज सेम हो गया, तो यहाँ से आपके पास एम वन अपॉन क्या देगा आपके पास एम टू, तो क्या देगा आपके पास R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर आपको क्या पूछा जाए, x तथा y कणों के द्रव्यमान का अनुपात, बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर, ये तो अपने पास है क्या भी लोरेंज बल हो गया, लोरेंज फोर्स, तो कोई भी पार्टिकल अगर ऐसे रीजन के अंदर चल रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड उस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ठीक है ना, तो क्यू ई एंड वी क्रॉस प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है ना, तो ये आपके पास है फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। 61 के बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 62, वैसा क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एंटर है रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मासेज आर डिनोटेड बाय एमई एंड एमपी रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ रेडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो यहां पे इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो सर फार्मूला वही लग जाएगा आपके पास में, तो आर इक्वल्स टू क्या रहेगा, रूट ऑफ 2 एम के अपॉन क्या रहेगा क्यूबी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज तो सेम होता है, तो यहां से आपके पास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा आपके पास रूट ऑफ एम, तो यहां से आपके पास है किसकी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, तो आर ई अपॉन क्या देगा आर पी बराबर देगा आपके पास एम ई अपॉन एम पी का रूट, सेकंड ऑप्शन आपका देगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, ये फेमस क्वेश्चन है सब जगह मिलता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन एक तो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल है,
और फिर उसके बाद में सेम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। तो अपन जानते हैं कि अब ये बोला जा रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है, ये पूछा जा रहा है इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है। तो फिर तो इस पे डिपेंड करेगा नहीं ना, फिर तो ये फॉर्मूला ही लग जाएगा। हाँ। आपके पास है E, E बराबर क्या देगा आपके पास है Q into V, यस यस ठीक है ना। तो समान विभवांतर से है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है Q। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना देगा आपके पास है E, और इसके बाद न्यूट्रॉन का भी कितना देगा E, और अल्फा का कितना देगा आपके पास है 2E, तो 112 ये आपके पास है फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो फालतू में ऐसा क्वेश्चन आता है देखो जिसके अंदर रेडियस पूछी जाती है, तो अब रेडियस में भी कहते हैं आपको पूछा क्या वो निकालना है भाई। अब बच्चा इसको से पढ़ते तुरंत रेडियस पे आएगा यही तो बात, फिर वो सोचता है यार ये कैसे हो गया ये हुआ, और फिर अपने हिसाब से आंसर निकाल भी लेगा और ऑप्शन मिल जाएगा। सही बात है, तो फिर मारा जाएगा। चलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मोशन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सर्कुलर पाथ रेडियस आर पी आर डी रिलेशन इन्हें बताना है। तो अपन जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, सेम क्या दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, तो रूट ऑफ 2mk अपॉन क्या देगा आपके पास है qb। qb तो एक तो आपके पास है प्रोटॉन और एक आपके पास है न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों का अपन बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, दोनों का चार्ज भी सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम दे रखा है, तो फिर उसके बाद फिर से आपके पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m बन जाएगा, और फिर उसके बाद में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि rp अपॉन rd rd इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास रूट ऑफ एम पी, तो कितना देगा m, न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 2m बोल सकते हैं, तो ये आपके पास क्या देगा आपके पास 1/√2 देगा, तो आर पी इक्वल्स टू क्या देगा आर डी बाई रूट टू, या आर डी बराबर क्या देगा आपके पास रूट टू आर पी, तो ये बन जाएगा ना फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, तो आर डी बराबर रूट टू टाइम्स ऑफ आर पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 फिनिश, इसके बारे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, E by M आपको निकालना है। तो अपन जानते हैं R बराबर क्या होता है आपके पास एम वी अपॉन क्यू बी होता है, और यह इसको अपन बोलते हैं एम वी अपॉन ई बी बोल दो, तो आपको क्या निकालना है अभी E by M, E by M निकालना है, तो E by M निकाल दो तो V अपॉन बी बी आर आर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड frequency v is applied across each radius r of a cyclotron that is being used to extract photons mass m, operating magnetic field be used in the cyclotron and the kinetic energy of the photon being produced by it given by। देखो यहां पे अपने को सबसे पहले निकालना है b, magnetic field निकालना है, तो आपको क्या दे रखा है यहां पे frequency दे रखी है ना, yes frequency कहां पे दे रखी है, frequency दे रखी है, चलो frequency अपन जानते हैं, yes तो frequency new equals to क्या होता है आपके पास है qb upon 2 pi m, qb upon 2 pi m, ये इसको अपन बोलेंगे eb upon 2 pi m m। तो यहां पे क्या पूछा अपने को मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड b बराबर क्या बन जाएगा अपने पास है 2 pi m, 2 pi m न्यू upon t e, ठीक है ना। एक तो ये अपने पास में आंसर आ चुका है, यस। दूसरा अपने को इसके काइनेटिक एनर्जी यहां पे पूछी जा रही है, तो अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर half m into v स्क्वायर होता है, yes। अब देखो 2 पाई m न्यू अपॉन e, ये तो आ गया काइनेटिक एनर्जी के अंदर, अपने को कहीं पर भी क्या नहीं दिखाई दे रहा है, v दिखाई नहीं दे रहा है, yes। तो अपन v को अपन किससे, v को अपन यहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा, देखो जैसे p स्क्वायर अपॉन 2m, हां p स्क्वायर अपॉन 2m लिख दो इसको आप, तो p स्क्वायर अपन क्या, p स्क्वायर अपन 2m बन जाएगा, और फिर उसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फिर अपन क्या इसको ऐसे कर दूंगा सर, जैसे p इसमें होता है qbr, हां है ना, बिल्कुल, तो q स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, तो b अपन ने निकाल रखा है, b अपन ने निकाल रखा है, तो b की वैल्यू वहां से अपन इसके अंदर पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आ जाएगा, तो आपका आंसर इसके अंदर ये बन जाएगा फिर, ठीक है ना, तो 2 2 का 4 4 by 2 2 ये बन जाएगा आराम से, ठीक है ना, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा, और ये नीट में पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बस कांसेप्ट कुछ भी नहीं, इसके अंदर क्या रिप्लेस करना है बस, ठीक है ना, जो वेलोसिटी उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपको रिप्लेस करना है, इतना सा काम है बस। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑन चार्ज पार्टिकल, नो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, काइनेटिक एनर्जी तो मास पे डिपेंड करती है क्या, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये आपका थर्ड ही मेरे को सही लग रहा है,
फोर्थ भी देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल साइक्लोन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स चार्ज, काइनेटिक एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है क्योंकि के बराबर क्या होता है q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ऐसा कोई फार्मूला होता है, चार्ज पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या कह रहे हैं, चार्ज पार्टिकल है e देर का v देर का, और फिर उसके बाद में विदाउट एनी चेंज, इसका मतलब इस पार्टिकल पर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स अपने को बराबर करना है, बराबर करना है। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपके पास v होता है वो v बराबर क्या होता है, आपके पास e अपॉन b होता है, एक तो बात ये होगी। और एक जो v होता है ना वो पैरेलल होना चाहिए किसके, e क्रॉस b के, b के, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास e, और क्रॉस क्या देगा आपके पास b, ठीक है ना, और अपॉन ये आपके पास में क्या बन जाएगा इस प्रकार से, उसको अपन ऊपर b से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास में बीस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, ये चीज बन गई। तो e क्रॉस b अपॉन बीस स्क्वायर, तो e क्रॉस b अपॉन बीस स्क्वायर आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि जो वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन ना वो e क्रॉस b के अलोंग आएगी, बिल्कुल ठीक है। इसमें जैसे मान लो बच्चा ओनली जैसे अपन जो लोरेंस फोर्स की बात कर रहे थे, तो f अपने पास था वहां पर कितना, q q e e प्लस q b b v क्रॉस b, ये अपने पास कंडीशन था, ठीक है। अब क्वेश्चन अपन से ही चाह रहा है कि इन दोनों के 90 पे एंटर कर रहा है और बिना किसी डिफ्लेक्शन के, यानी एक तरह से आपका वेलोसिटी सिलेक्ट हो गया सर, वेलोसिटी, हां बिल्कुल वेलोसिटी सिलेक्ट की है, तो इसमें इसको अपन जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे, जीरो करते ही तो हमारे पास एक्चुअली आ गया कि e प्लस v क्रॉस b = 0, सही बात है, इक्वेशन की तो कैंसिल हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अपने पास जो e बनेगा सर वो क्या हो गया, देखो माइनस ऑफ b क्रॉस b, b क्रॉस b, ठीक है। अब इसको अगर अपन लिख दें ऐसे b क्रॉस b, b क्रॉस v, v हो गया, ठीक है, यानी हमारे पास e कितना है, b क्रॉस v है, ठीक है। अब ये तो अपने को पता चलना ही जरूरी है, ठीक है। अब जैसे अपन एक्चुअली मैं इसको इसलिए बताने जा रहा हूँ कि बच्चे के दिमाग में ये चीज हमेशा रहती है, सही है, और एग्जाम हॉल के अंदर बच्चा जब अपने बेसिक चीज से क्वेश्चन को पकड़ता है तो वो ज्यादा उसके बेनिफिशियल रहता है, सही बात है, तो अपने दिमाग में चलता रहता है, तो दिमाग से ये कैलकुलेशन ये लिखना ही होता, ये दिमाग से पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी कि ये हमारे पास इतना होना चाहिए। अब इसे अपन जो वेक्टर का 3D वाला अपन यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें जैसे अपन ये पता होता है कि यहाँ अपने ई के इस वैल्यू के होने पर फोर्स कितना इस मिनट जीरो होना चाहिए। अब देखो हमारे पास तो ये रखा है कि v इक्वल टू e क्रॉस b है, तो अपन ये भी जानते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो जैसे हमारे पास ये तो e है और इसको मैं तो यहाँ पर b, और ये मेरे पास हो गया b, और इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई की जो एक प्रॉपर्टी उसको अपन यूज करें, सही बात है। तो नेट फोर्स के जीरो होने के लिए हमारे पास e कितना, देखो e हमारे पास है b क्रॉस b, वेक्टर में इसको अपन लिखे तो b क्रॉस v हो गया। अगर आपको b निकालना हो तो b कितना होगा, v क्रॉस b, सही, तो वेक्टर फॉर्म में अपने पास इसको अपन क्या लिख पाएंगे सर, इसको लिखते हैं v क्रॉस e हो जाएगा, और अगर आपको ये लिखना है v वेक्टर फॉर्म में तो ये कितना आपका e क्रॉस b हो जाएगा, सही बात है, ये हो गया हमारे पास e क्रॉस b, यानी बच्चे के दिमाग में चीजें सारी होनी चाहिए, सही बात है, कि नेट फोर्स जीरो कौन कौन सी कंडीशन से पॉसिबल है, ये अपने सारी आ गई, तो जो b हमारे पास फिक्स हो गया e क्रॉस b आ गया, e क्रॉस b। अब देखो अपन जो इसमें नेट फोर्स की बात करते हैं हमारे पास v आ जाता है, तो मैंने यहाँ v निकालना मुझे पता होता है कि मेरे पास कितना e क्रॉस b है, यदि मैं इसको यहाँ पर b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो आप देखें जैसे e क्रॉस b है ना, इसको क्रॉस करते ही मेरे पास वैल्यू आती है, और b क्रॉस b तो कितना होता है, b स्क्वायर होता है, तो इसको वैसे याद बचता बचा इजीली कि e क्रॉस b अपॉन कितना, b स्क्वायर, तो यहाँ इस कांसेप्ट से जो भी बच्चों अच्छा लगे आराम से इजीली कैसे कर सकता है, इसे की संभावना थी वो मैंने मुझे लगा कि बच्चों को बतानी चाहिए, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साइक्लोट्रॉन इज 10 मेगाहर्ट्ज, रेडियस आपको 0.5 दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन इज, तो आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो अपने को निकालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, तो फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है साइक्लोट्रॉन की 2 लीटर आवर्ती अपने को ये दे रखी है, ठीक है ना, और इसकी जो रेडियस है वो अपने को दे रखी है, तो अपने को इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, तो चलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ जाएगी, वही फॉर्मूला देगा फिर, तो बिल्कुल अभी जो अपन ने पढ़ा था के बराबर कितना देगा आपके पास हाफ एम इंटू क्या देगा आपके पास वी स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसको अपने क्या लिखा था ऐसा सा फॉर्मूला था ना 2π स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको थोड़ा सा पीछे लें सर, पीछे कौन सा क्वेश्चन था वो, और पीछे लें 2π स्क्वायर एम ये फ्रीक्वेंसी स्क्वायर
फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इनटू क्या देगा आपके पास आर स्क्वायर। यस, ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, चलो सर वापस उसी क्वेश्चन पर पढ़ें। तो फिर उसके बाद इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल कैलकुलेशन का पार्ट था। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन हो गया, बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला ये तो नीट के अंदर पूछा जा चुका है, बिल्कुल हो सकता है कभी ये क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर ए और बी में से ए की जो रेडियस है वो ज्यादा रहेगी, तो अपन जानते हैं कि आर ए ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास आर बी, तो ये आपके पास हो जाएगा एम ए बी ए ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास एम बी वी बी, ठीक है ना। तो एम ए ग्रेटर देन एम ए वी ए ग्रेटर देन एम बी वी बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल एट प्रोटॉन ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी एंड मैग्नेटिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटीज, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडी वेलोसिटी अगर सेम दे रखी है, तो अपन जानते हैं कि r बराबर क्या होता है आपके पास mv अपॉन qb, तो यहां से आपके पास में r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन q आ जाएगा। एक तो आपके पास अल्फा रेट आपके पास है प्रोटॉन है, तो अल्फा का मास कितना होता है बताओ 4m अपॉन चार्ज कितना था 2e, और प्रोटॉन इसका मास कितना होता है 2m, नहीं प्रोटॉन का मास कितना है प्रोटॉन का मास m e, तो ये अपने पास कितना देगा 2:1 आ जाएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहां पे करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। और चलिए इसके बाद में ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल ईच हैविंग द सेम स्पीड, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो अपन जानते हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया एक प्रोटॉन हो गया और इसके बाद एक न्यूट्रॉन हो जाएगा एक अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, स्पीड अगर सेम हो गया तो r बराबर क्या होता है mv / qb, तो m / q का रेशियो देगा, तो ये अपने पास हो जाएगा me / क्या देगा e, और रेशियो प्रोटॉन का क्या देगा आपके पास m / e, न्यूट्रॉन का क्या देगा आपके पास 2m / e, और अल्फा का क्या देगा अपने पास में 4m / ये अपने पास 2e आ जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि ये भी m / e 4/2 2, ये भी आपके पास 2, ये भी आपके पास 2, तो न्यूट्रॉन और अल्फा इन दोनों की रेडियस क्या देगी बराबर हो जाएगी, तो rd बराबर क्या देगा r अल्फा, ठीक है ना। कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। थ्री लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, अक्रॉस अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर 3, 4, 5, डिस्टेंस ऑफ मिडिल वायर फ्रॉम द अदर्स नेट फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय 0। भाई आपके पास है तीन वायर है, एक वायर दो वायर, ये आपके पास है तीन वायर हो गया, ये वाली डिस्टेंस कितना देगी डी वन, ये वाली डिस्टेंस कितना देगी डी टू, इसमें करंट आई वन आई टू ये करंट आई थ्री होगी, रेजिस्टेंस का रेशियो आपको दे रखा है, पैरेलल में जोड़ रखे हैं इनको, अपन जानते हैं कि पैरेलल में वी सेम होता है तो वी तो क्या देगा कॉन्स्टेंट, तो अपन जानते हैं कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, तो यहाँ से आई वन आई टू और आई थ्री का जो रेशियो है वो देगा आपके पास 1/r1 1/r2 1/r3 और यहाँ से कितना देगा आपके पास में 1/3 1/4 1/5। इसका एलसीएम कितना देगा सर 60 आ जाएगा क्या 60, तो ये अपने पास आएगा 60, तो 60 तो ये अपने पास है कितना देगा 20, और ये कितना देगा आपके पास है 15, और ये कितना देगा आपके पास में 12, तो 20 15 और 12, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास में क्या गया इनकी करंट का रेशियो आ गया, तो इसमें करंट 20 है, इसमें 15 मान लो, इसमें 12 मान लो, अब इस पर इसका फोर्स अपने को बराबर करवाना है तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, तो इसका फोर्स कितना रहेगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन वो म्यू नॉट तो सब में कर देगा, तो आई वन आई टू अपॉन डी बराबर कर देते हैं, तो आई वन कितना देगा 20 इनटू कितना देगा आपके पास 15 अपॉन डिस्टेंस कितना देगा d1, और ये कितना देगा आपके पास 15 इनटू 12 अपॉन डिस्टेंस कितना देगा d2, 15 से अपन 15 को कैंसिल आउट कर देंगे, इसके बाद यहां से अपने पास में d1/d2 अपने पास में कितना देगा 12 अपॉन 20/12 12, तो 20 अपॉन 12 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/3, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन हो गया ये भी एक। अगला क्वेश्चन फिर अपन देखते हैं देखो क्या करें, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा, इफ द एनर्जी अटेंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन बाय द प्रोटॉन्स इज ई, एनर्जी अटेंड बाय द अल्फा पार्टिकल्स सेल बी, अपन जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है आपके पास क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास टू एम होता है, अब आर तो रेडियस ऑफ डी से कॉन्स्टेंट हो गया, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास क्यू स्क्वायर बाई एम हो गया। यस, अब अपन बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी, तो अल्फा का जो चार्ज होता है वो तो कितना था 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास 4, मास 4 टाइम्स होता है। यस, तो 2 2 4 4 / 4 कितना देगा 1,
तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना देगा, 1 आ जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितना देगी अपने पास, ई आ जाएगी, तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई इसके अंदर तो अपने को इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। yes. अपन देख सकते हैं इस प्रकार से इसको अपन यहाँ पे यूं मिला देंगे तो ये तो अपना क्या बन जाएगा, इस प्रकार से स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर का एरिया कितना देगा, ए स्क्वायर और प्लस ये अपने पास है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो दो सर्कल, दो सर्कल बन गए, तो कितना देगा आपके पास 2 पाई r स्क्वायर बाय 2, r कितना देगा आपके पास a बाय 2 का स्क्वायर, तो कितना देगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2 पाई a स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये तो आपके पास एरिया आ गया और m बराबर कितना था आपके पास a स्क्वायर बाय 2 है ना सर, a स्क्वायर बाय 2, सॉरी पाई a स्क्वायर बाय पाई a स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास है a by 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये देखो आपके पास a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाय 2 आ गया, तो m बराबर कितना होता है आपके पास i into a, तो इसको आप क्या बोलेंगे a स्क्वायर बाहर निकालो, 1 प्लस क्या देगा आपके पास है पाई बाय 2, तो into क्या देगा i आ जाएगा, और इसके बाद में देखो ये अपने पास है करंट की डायरेक्शन, राइट हैंड व्हील से करंट की डायरेक्शन, तो प्लस k k पर आएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे k k, तो पाई बाय 2 प्लस 1 ए स्क्वायर आई, ठीक है आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा। एम बराबर क्या होता है, सिंपल आई होता है, ज्यादा इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना है, राइट हैंड रूल की हेल्प से इसकी डायरेक्शन आपको पता कर लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पैरेलल वायर 1 मीटर अपार्ट कैरी करंट 1 एम्पीयर 3 एम्पीयर रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये तो सीधा सा फार्मूला है, म्यू नॉट कितना था आपके पास 4 पाई * 10 टू द पावर माइनस 7, आई कितना, आई 1 कितना देगा आपके पास 1, आई 2 कितना देगा आपके पास 3 अपॉन 2 पाई इनटू 1, बी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1 होती है, तो यहां से इसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स, तो कितना देगा आपके पास 6 * 10 टू द पावर माइनस का 7 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास है न्यूटन, और इसके बाद रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, करंट है दोनों के अंदर अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रही है, अपोजिट नेट फोर्स होगा, कैसा आ जाएगा रिपल्शन, ऐसे का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 * 10 टू द पावर माइनस 7 रिपल्शन, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, ये क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है, तो इसके अंदर करंट इस प्रकार से यूं जा रही है, तो इस पे फोर्स निकाल लेते हैं इस वाली साइड पे, तो कितना था आपके पास म्यू नॉट, और इसके बाद है कैपिटल आई इंटू क्या देगा आपके पास स्मॉल आई, म्यू नॉट आई 1 आई 2 अपॉन कितना देगा आपके पास 2 पाई एल बाई 2, तो डी इसके लिए डी कितना देगा आपके पास एल बाई, ये आपके पास 2 आ गया, माइनस इसके लिए डिस्टेंस कितना देगी एल प्लस एल बाई 2, 3 एल बाई 2 देगी, इसको अपन बोल देंगे 3 एल बाई 2 आ गया, ठीक है ना, इनटू एल, और फिर उसके बाद इनटू अपन क्या करेंगे एल कर देंगे, क्योंकि ये तो अपने पास फोर्स पर यूनिट लेंथ था टोटल, अगर इस पूरी साइड पर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है, इसके लेंथ से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन अपन कर देते हैं क्या बन रहा है। देखो ये अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन कितना देगा आपके पास 2 पाई एल, और ये 2 माइनस कितना देगा 2 बाई 3, तो ये क्या बनता है 4 बाई 3 बन जाएगा, 6 माइनस 2 4 4 बाई 3 4 बाई 3, तो ये आपके पास 4 बाई 3 बन जाएगा, 4 बाई 2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाई 3 वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 78, ये क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप सेविंग रेडियस r एंड 2r कैरी करंट 2i एंड i रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट सेंस क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर्स इज, तो कॉमन सेंटर्स पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, a का मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा आपके पास म्यू नॉट, करंट कितनी इसके अंदर i 2i फर्स्ट 2i, तो म्यू नॉट i अपॉन कितना देगा आपके पास 2, रेडियस कितना देगी r, और दूसरे के अंदर कितना देगा म्यू नॉट, इसके अंदर करंट कितनी है आई अपॉन रेडियस कितनी है 2r, तो ये आपके पास है क्या देगा 4r, तो फिर उसके अंदर 2 2 कितना देगा 1, तो 1 माइनस कितना देगा 1/4 3/4 देगा, तो 3/4 वाला आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है, करंट i इज कैरीड इन ए वायर ऑफ लेंथ l, वायर इज टर्नड इनटू ए सर्कुलर कॉइल, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड बी विल, मैक्सिमम की बात यहाँ पे कर रहा है, इसका मतलब थीटा अपने को यहाँ पे कितना लेना है सर 90 लेना है, ठीक है ना। तो एल लेंथ है, सर्कुलर में मोड़ दिया इसको, तो एल बराबर कितना देगा आपके पास 2 पाई आर, तो यहाँ से अपने पास आर इक्वल टू क्या देगा एल अपॉन 2 पाई, और इसके बाद इसका एरिया ए इक्वल टू क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, तो
इसको अपन बोलेंगे पाई एल स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर, तो इसको अपन बोलेंगे एल स्क्वायर अपॉन फोर पाई, ठीक है ना। और टॉर्क आपको निकालना है, तो टॉर्क बराबर क्या देगा, एम बी साइन थीटा, मैक्सिमम मतलब साइन थीटा वन लेना है, तो एम कितना होता है आई ए, तो आई, और ए कितना होता है आपके पास एल स्क्वायर अपॉन फोर पाई, ठीक है, और इंटू क्या देगा आपके पास है बी, तो आई एल स्क्वायर बी अपॉन फोर पाई, तो आई एल स्क्वायर बी अपॉन फोर पाई, तो अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसमें सबसे यहाँ तो थोड़ा मेंशन कर रखा है कि हमने उसको वर्ती कुंडली में कन्वर्ट कर दिया, पर अगर सिंपल ऐसे ही बोलता ना कि अगर अपने पास कोई एल लेंथ का वायर है और उसको अपन कन्वर्ट करें किसी लूप में, ठीक है, तो उस कंडीशन बिना इसके देने पर भी आप जानते हैं हाँ लूप मतलब सर्कुलर सर्कल का ही एरिया मैक्सिमम होता है, सही बात। तो क्योंकि टॉर्क जो अपना है टॉर्क की कुल के आपका एम क्रॉस बी अपन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे कितना आई इंटू ए इंटू बी अपन करेंगे तो 90 दे रखा है अपने पहले से, तो एरिया के मैक्सिमम होने पर टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, इसको मेंशन नहीं कर रखा हो तो भी अपन सर्कल के रूप में लेकर के सॉल्व, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। एक चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, तो ये तो आपको पिछले मैग्नेटिक क्या पूछ रखा है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है, तो अपन जानते हैं कि बी बराबर कितना होता है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन, ये अपने पास टू आर हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ से अपन आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आई बराबर कितना देगा आपके पास टू बी आर अपॉन क्या देगा म्यू नॉट देगा, और अपन मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं m इक्वल टू क्या था आपके पास i इंटू ए, और a कितना था आपके पास है पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से अपन i की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा आपके पास है टू बी आर अपॉन म्यू नॉट इंटू क्या देगा आपके पास है पाई इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास है क्या बनेगा टू पाई बी आर क्यू अपॉन, ये अपने पास है म्यू नॉट, तो क्या बन जाएगा टू बी, ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 80, और बच्चों इसी के साथ में आपकी 33 नंबर की जो गुरु नीति है वो फिनिश होती है, और फिर उसके बाद अगली गुरु नीति में अपन मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे, जिसके अंदर अपन बार मैग्नेट, कॉइल मैग्नेट, एटॉमिक मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली गुरु नीति पे। जय श्री।